नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के अंतर्गत यूनिट संख्या फोर्थ में जनजाति कल्याण के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जनजाति कल्याण से संबंधित कार्यक्रम में हमने भारत व राजस्थान के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, जो कि भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो जनजाति या ST वर्ग के जो वर्गों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं, तो इसी क्रम में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, राजस्थान में जनजाति कल्याण के कार्यक्रम। जैसा कि आपको पूर्व की क्लास में हमने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 8.1% जो कि जनजाति क्षेत्र में आते हैं। इसी क्रम में राजस्थान की हम बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में अनुसूचित जनजाति लोगों की संख्या 92.38 लाख है। 92.38 लाख अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, जिसमें लगभग कुल जनसंख्या का 13.5% माना गया है। 1999 की जनगणना के आधार पर 92.38 लाख की जनसंख्या में 13.5% जनसंख्या पूरे राजस्थान में सम्मिलित है, जो कि राज्य में लगभग 54.75 लाख जनजाति क्षेत्र के लोग राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12.44% भाग था, जिसमें राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही ज़िले में सम्मिलित हैं। ये क्षेत्र जनजाति उपयोजना कहलाते हैं, जिनमें 18.30 लाख जनजातियों के लोग निवास बसते हैं। ये राज्य की जनजाति की संख्या 43.73% है, जो आदिवासी उपयोजना का लगभग 4,409 गांवों में निवास करती है या गांवों में बसती है। यह हम इसकी भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह राज्य की जनजाति का लगभग 43.73% माना गया है, जो कि 4,409 गांव शामिल है। इसका क्षेत्रफल 19,571 है। 19,571 इसका टोटल क्षेत्रफल माना गया है। इस प्रकार से इसके अलावा भी राज्य में जनजाति सहकेंद्रीकरण के 44 नए खंड भी हैं, जो कि एक ब्लॉक है। 44 ब्लॉकों में ये बटी हुई है, तो जिसे हम माडा क्षेत्र भी कहते हैं। इसे अपने क्या कहते हैं, माडा, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच इसकी फुल फॉर्म है। माडा क्षेत्र कहते हैं। माडा क्षेत्र के राज्य में लगभग 16 राज्यों में फैला हुआ है। माडा कितने राज्यों में फैला हुआ है, 16 राज्यों में, जो कि राज्यों में नहीं, सॉरी, 16 जिलों में फैला हुआ है, क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। 16 जिलों में माडा क्षेत्र है, जिसमें मुख्यतया 3,589 गांव शामिल हैं। 3,589 गांव क्या हैं, शामिल हैं। 3,589 गांव में मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच सम्मिलित है। माडा क्षेत्र में जनजातियों का लगभग 30.33 लाख लोग निवास करते हैं, जो जनजातियों के लोगों की कुल जनसंख्या का 24.70% है। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राजस्थान में जनजाति कल्याण से संबंधित
कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया, जो कि सबसे ज़्यादा 1956 में बांसवाड़ा ज़िले के कुशलगढ़ ब्लॉक में बहुउद्देश्य विकास खंड योजना में इसको क्रियान्वित किया गया है। तो जनजाति विकास के कार्यक्रम में मुख्यतया विभिन्न योजनाओं में, जो कि 5वीं योजनाओं में भी आदिवासी कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें जनजाति उपयोजना की संज्ञा दी गई। किसकी दी गई? 5वीं योजना में हम बात करें तो जनजाति उपयोजना भी इसे कहा गया। यह आपके जीके के प्रश्न में पूछ सकते हैं कि 5वीं योजना में जनजाति उपयोजना की संज्ञा कौन सी योजना में दी गई? 5वीं योजना में दी गई। कौन सी योजना में? 5वीं योजना के अंतर्गत, जो कि आदिवासियों कल्याण के तहत सहरिया स्कीम 1977 और 1978 में क्रियान्वित की गई। तो इस प्रकार इससे बिक्री हुई कार्यक्रम योजनाओं भी शुरू किए गए हैं। तो इस प्रकार जनजाति कल्याण के लिए मुख्यतः अनेक योजनाएँ बनाएगी, उनकी हम एक विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी ऐसी योजनाएँ हैं जो कि सम्मिलित हैं, जो राज्य में जनजाति कल्याण हेतु, प्रथम है जनजाति उपयोजना। जनजाति जनजाति उपयोजना लागू की गई माडा, सहरिया विकास कार्यक्रम, को शामिल किया गया। सहरिया विकास परियोजनाओं का इसमें महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया। बिखरी हुई जनजाति कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित है। बिखरी हुई जनजाति या बिखरी जनजाति कार्यक्रम, ये राजस्थान में जनजाति कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों की हमने संक्षेप में चर्चा की। और इस प्रकार से हम बात करें राजस्थान में आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रमों की, तो राजस्थान में आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रमों की हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रम, राजस्थान में आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रम, राजस्थान में आदिवासी के कल्याण के कार्यक्रमों में हम बात करें कि वर्तमान में राजस्थान में आदिवासी कल्याण के कार्यक्रम निम्नलिखित हैं या प्रमुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रथम है जनजातीय उपयोजना क्षेत्र, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र, इसे हम कहेंगे ट्रिबल सब प्लान एरिया। दूसरी जो जनजाति उपयोजना क्षेत्र है, ये राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद में सम्मिलित है, राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में, जो कि 23 पंचायत समितियों में ये कार्यक्रम की शुरुआत की। तेईस पंचायत समितियां इसमें कार्यरत रही, जिसमें राज्य की कुल जनजातियों का 54.8% लोगों में से 24 लाख जनजाति उपयोजना के अंतर्गत आते हैं,
जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 4,409 गांव शामिल किए गए हैं, जिनका जिस क्षेत्र में आते हैं जो कि 19,571 वर्ग किलोमीटर में ये है। जनजाति उपयोजना 1974 और 75 में शुरुआत की गई, तो इसकी 1974 और 75 में जनजाति उपयोजना की शुरुआत की गई, जो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जनजातीय व जनजाति क्षेत्रों के विकास की संभावना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि इनके लिए न्याय एवं समानता के लक्ष्य प्राप्त हो सके। अगला कार्यक्रम परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माडा, परिवर्तित विकास या परिवर्तित क्षेत्र विकास, परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माडा भी इसे कहते हैं, माडा मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। राज्य में जनजाति संकेंद्र वाले 44 खंड हैं जो कि माडा क्षेत्र में आते हैं। 44 खंड में इन्हें कुल मिलाकर माडा क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। माडा क्षेत्र राज्य के 16 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें 3,589 गांव शामिल हैं। माडा क्षेत्र में जनजातियों के 10.33 लाख लोग निवास करते हैं, जो कि जनजातियों की कुल जनसंख्या का 24.70% सम्मिलित है। और माडा कार्यक्रम 1978 और 89 में इसकी शुरुआत 79 में इसकी शुरुआत की गई, जिसमें व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने वाली स्कीमें को शामिल किया गया। यह कार्यक्रम शैक्षिक विकास के स्तर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। अगले हम कार्यक्रम की बात करेंगे, माडा समुदाय, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे संबंधित कार्यक्रम आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछते हैं। माडा क्लस्टर भी कहते हैं इसको, माडा क्लस्टर। जनजाति कल्याण के इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8 जिले में शामिल किया गया। 8 जिले के 159 गांवों में 159 गांवों को इसमें लिया, जो कि 0.33% लाख जनसंख्या इसमें सम्मिलित की गई। यह कार्यक्रम राज्य के जनजातियों की कुल जनसंख्या का 0.89% लोगों को इसमें शामिल भी किया गया। माडा समुदाय कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभकारी योजनाएं जैसे कृषि प्रदर्शन, बागवानी, सब्जी के बीजों के पैकेटों का वितरण, कुओं का गहरा करवाने, हेडपंप लगवाने, सहकारी समितियों के अंश पूंजी के लिए अनुदान, चिकित्सा कैंपों आदि का विशेष ध्यान दिया गया। लघु सिंचाई कार्य, हेडपंप लगाने के कार्यों पर महत्वपूर्ण रूप से प्राथमिकताएं दी गई। अगला बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या कार्यक्रम चौथा है, बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या कार्यक्रम, जनजाति जनसंख्या कार्यक्रम, बिखरी हुई जनसंख्या है तो इसको सेटल ट्रिबल पॉपुलेशन प्रोग्राम। बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या में लगभग 28 जिले बिखरे हुए माने जाते हैं, जो कि राज्य की आदिवासी जनसंख्या का 29.85% भाग लोगों के कल्याण हेतु यह योजनाएं बनाई गई। इस योजना में मुख्यतः फलों के पौधे वितरण, सब्जियों बीजों पैकेटों के वितरण, ग्रामीण आवास तथा उपभोक्ता दुकानों के संचालन को प्रोत्साहन दिया गया। इस क्षेत्र में रोजगारमुख शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को भी प्रेरित किया जाता है। अगला लास्ट प्रोग्राम है शहरिया विकास कार्यक्रम, शहरिया विकास
कार्यक्रम, शहरिया विकास कार्यक्रम, वह कार्यक्रम जिसमें राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति शहरिया विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, SDPV से कहते हैं। शहरिया एक आदिम जनजाति है जो राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों में निवास करती है। शहरिया मुख्यतया, मैंने जैसे आपको बताया, 12 जिले के शाहबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों में निवास करती है। यह जाति के लोगों की जनसंख्या 33,978 है, जो कि राज्य की आदिवासी जनसंख्या का 0.81% माना जाता है। शहरिया विकास जातियों के विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें लघु सिंचाई कार्यों के लिए कुओं को गहरा करवाना, एनीनेट का निर्माण कराना, निफ्ट योजनाओं का डीजल पंप सेट लगवाना, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। आश्रम छात्रावासों एवं संचालन के शिक्षा प्रोत्साहन, विद्यार्थियों में वृद्धि, स्टेशनरी उपलब्ध करवाना, पेयजल सुविधाओं को प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया गया। यह कार्यक्रम शिक्षा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्रों के संचालन एवं लघु सिंचाई कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई। शहरिया जनजाति के साक्षरता कार्यक्रम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा को महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं दी गई। तो इस प्रकार से ये राजस्थान में जनजाति कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों का हमने संक्षेप में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जिसमें सूखा संभावित क्षेत्र और मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।